आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? आइंस्टाइन, न्यूटन, मे बी टेस्ला। और फेवरेट इंडियन साइंटिस्ट? अरे भारत साइंस में उतना डेवलप कहाँ है? अगर गूगल को पूछे कि रेडियो किसने इन्वेंट किया है तो ये जवाब मिलता है, गुलियेल्मो मार्कोनी। 1896 में इन्होंने एक रेडियो मैसेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भेजा एंड ही वन अ नोबेल प्राइज फॉर। लेकिन सच तो ये है कि भारत में मार्कोनी से कुछ साल पहले रेडियो वेव्स का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका था, लेकिन इन्हें कभी क्रेडिट नहीं मिला। सिर्फ रेडियो ही नहीं, मिलीमीटर वेव्स जो आज की 5G टेक्नोलॉजी को पॉसिबल बनाते हैं, उन्हें भी ये साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया था। इस साइंटिस्ट का नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस, द फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। आज 30th नवंबर उनका बर्थडे और आज मुझे आपको उनकी लव स्टोरी सुनानी, उनकी और भारत की लव स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कहानी की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी में, जब भारत के एलीट लोगों में एक ट्रेंड था, इंग्लिश बनने का ट्रेंड। पैसे वाले देसी लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में सिखाना पसंद करते थे। उस जमाने के इंग्लिश मीडियम स्कूल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखाते थे, इंग्लिश कल्चर कैसे सुपीरियर है ये भी सिखाते थे। लेकिन जेसी बोस के पिताजी ने उन्हें एक बंगाली स्कूल में सिखाया। उनकी जिद थी कि जगदीश पहले अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाए और फिर दुनिया के बारे में सीखे। अ लैंग्वेज शुड बी अ ब्रिज नॉट अ बैरियर। अल्टीमेटली आपकी भाषा नहीं आपका टैलेंट आपको सक्सेसफुल बनाता है, एंड दैट्स ट्रू। लेकिन जेसी बोस की कॉलेज लाइफ की शुरुआत एक फेलियर से हुई। उन्हें डॉक्टर बनने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन भेजा गया था, बट फॉर अ मैन ऑफ साइंस लाइक हिम सो मच ब्लड वाज अ बिट टू मच। उन्होंने मेडिसिन छोड़कर फिजिक्स को अपनाया। ये है उनकी और फिजिक्स की लव स्टोरी। जेसी बोस अगर चाहते तो इंग्लैंड में ही रह सकते थे, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो भारत वापस आए भारत के स्टूडेंट्स को फिजिक्स सिखाने के लिए, और वो भी सिर्फ 100 रुपीज सैलरी में। उस समय का भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था। सेम क्वालिफिकेशन की अंग्रेजी लोगों को जितनी सैलरी मिलती थी उसकी 1/3 सैलरी में देसी लोगों को रखा जाता था। रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं मिलती थी, काम करने के लिए सिर्फ 24 स्क्वायर फीट की लैब थी, इस रूम से भी छोटी। ऐसे सिचुएशन में भी उनके इन्वेंशंस ने दुनिया बदल दी। ऐसा लाइट जो हमारी आंखों के लिए इनविजिबल है लेकिन दीवारों के आर पार जा सकता है, और वो कम्युनिकेशन के लिए यूज हो सकता है, इसका पहला डेमो और कहीं नहीं भारत में हुआ था। And that's the basis of radio, remote control, Wi-Fi, and even 5G technology. In fact, मार्कोनी ने जेसी बोस के ही इन्वेंशन को यूज करके रेडियो बनाया और इमीडिएटली पेटेंट कर दिया। जबकि बोस मानते थे कि साइंस सबके लिए होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने पेटेंट्स रजिस्टर नहीं किए। वो तो चाहते थे कि उनके इन्वेंशंस और बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए यूज हो। उन्हें विश्वास था कि भले ही उससे उन्हें इकोनॉमिक लॉस क्यों ना हो, साइंस को प्रॉफिट हो। इसीलिए वो अपने सारे इन्वेंशंस ओपनली अपने क्लास में स्टूडेंट्स को दिखाते थे। न जाने कब कोई साइंस से प्यार कर बैठे। As I said, ये तो लव स्टोरी, उनकी और एनवायरनमेंट की लव स्टोरी। जेसी बोस दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि हमारी ही तरह प्लांट्स भी फील कर सकते हैं। जैसे हमें खुशी होती है, दुख होता है, इमोशंस होते हैं, वैसे ही इन पेड़ पौधों को भी होते हैं। अपने इस क्लेम को प्रूव करने के लिए उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, उनमें से ये मेरा फेवरेट। उन्होंने अपनी लैब 2 हिस्सों में बांट दी और दोनों हिस्सों में हेल्दी प्लांट्स रखे। वो हर सुबह पहले हिस्से में जाकर गालियां देते, उन पौधों को कोसते, उनकी कमियां पॉइंट आउट करते, और दूसरे हिस्से में क्लासिकल म्यूजिक चलाते, उनसे बातें करते, पौधों को एनकरेज करते। एंड सरप्राइज सरप्राइज, पहले हिस्से के पौधे मुरझाने लगे और दूसरे हिस्से के पौधे तेजी से बढ़ने लगे। उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी इन्वेंट किया जिससे पता चलता है कि एनिमल्स और प्लांट्स जितने हमें लगते थे उतने डिफरेंट नहीं है। ट्रीज हमारी बातें समझते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। आज ये एक प्रूवन फैक्ट है। एक फॉरेस्ट में पेड़ अपने रूट्स के नेटवर्क के जरिए दूसरे पेड़ों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। बड़े पेड़ छोटे पेड़ों के साथ न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, और कभी इंसेक्ट्स का अटैक होने पर आसपास के पेड़ों को वार्न भी करते हैं। इस नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, और इस आइडिया का क्रेडिट किसे भी मिले। आई फील प्राउड टू से, जब दुनिया क्लाइमेट चेंज के बारे में जानती भी नहीं थी, भारत में एक साइंटिस्ट प्रूव कर रहा था कि प्लांट्स फील करते हैं, और ये दुनिया जितनी हमारी है उतनी ही उनकी भी। रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन का क्रेडिट किसे भी मिले। आई फील प्राउड टू से कि आज की टेक्नोलॉजी जो है वो जेसी बोस जैसे कई लोगों की वजह से, हु आर फाइन बीइंग अंडरग्राउंड एज लॉन्ग एज दे वर मेकिंग द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग। जेसी बोस की कहानी आज के यूथ तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, और हमें कमेंट्स में बताइए कि और किन लोगों की कहानी आप ऐसे सुनना चाहते हैं। क्योंकि मॉडर्न दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की जब बात की जाती है तब आइंस्टाइन, न्यूटन और टेस्ला का नाम आता है, और आना भी चाहिए। बट आई फील प्राउड टू से कि भारत में आचार्य जेसी बोस जैसे लोग थे जो पेटेंट्स में नहीं इन्वेंशंस में विश्वास रखते थे, नॉलेज को सीक्रेट नहीं ओपन रखते थे, और क्रेडिट से नहीं साइंस से प्यार करते थे। Hey Esteem, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।
क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।